हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, और ये इसका पार्ट 6 रहने वाला है। अगर आपने पिछले पांचों पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उन्हें वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। आप चाहे एक टाउन में चले जाओ या किसी शहर में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर बहुत सारा गार्बेज यानी कि कचरा आपका इकट्ठा होगा। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाओ, वहां पर आपको खाने के बहुत सारे खाली पैकेट्स मिल जाएंगे। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज That we generate। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि गार्बेज जो भी हम जनरेट करते हैं उस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। Let us now look at the problem a bit more deeply। अब हम इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 13.7। फाइंड आउट what happened to the waste generated at home। आपको ये पता लगाना है कि आपके घरों में जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसका आगे क्या होता है। इज देयर अ सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। क्या ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है कि इस वेस्ट को किसी भी तरीके से कलेक्ट किया जा सके। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी पंचायत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। आपको ये जानना है कि कैसे लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आपका डील करती है इन सभी वेस्ट के साथ में। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग अलग ट्रीट कर सकें। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन अ डे। और एक दिन में आपके घरों में कितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है ये आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, और उसमें से कितना वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ डे, और एक क्लासरूम के अंदर एक दिन में कितना वेस्ट आपका जनरेट होता है ये भी आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, उसमें से कितना वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल है। सजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट, आपको कुछ ऐसे तरीके सजेस्ट करने हैं कि किस तरीके से इन वेस्ट को डील किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपके एक्टिविटी 13.8। फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। आपको ये पता लगाना है कि आपकी लोकेलिटी में सीवेज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज। और इसके पीछे किस तरीके का मैकेनिज्म काम करता है कि लोकल वाटर बॉडीज आपकी पॉल्यूट नहीं होती अनट्रीटेड सीवेज के द्वारा। फाइंड आउट हाउ लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट, और आपकी लोकेलिटी में जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो सभी अपना वेस्ट किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पॉल्यूटेड बाय दिस वेस्ट। और क्या इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है कि इस वेस्ट के कारण आपकी सॉइल और वाटर पॉल्यूट नहीं हो रहे। इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते रहें तो इसके कारण जो भी हम वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं उसमें भी एक अच्छा सुधार देखने को हमें मिलेगा। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। अगर हम अपना मन इस तरीके से बना लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल चीज़ों को यूज करें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. अगर हम अपनी packaging में changes लेकर आए तो non-biodegradable waste काफी हद तक कम किया जा सकता है। What do you think will be
इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन अवर एनवायरमेंट। आप क्या सोचते हो कि इसका हमारे एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी 13.9, सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट व्हाट हैजार्डस मटेरियल हैव टू बी डील्ड विद व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हाउ वुड दीज मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको ये इंटरनेट पर या लाइब्रेरी में सर्च करना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करते हैं तो किस तरीके से ये हैजार्डस मटेरियल को डील किया जाना चाहिए और ये मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड, और ये आपको जानना है कि प्लास्टिक्स को किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्या रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट पे किसी तरीके का इम्पैक्ट डालता है, और आपको ये जानना है कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरीके का इफेक्ट डालता है, और आपको ये जानना है कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके पेज नंबर 216 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस, इन सभी के सॉल्यूशंस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कम्प्लीट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।